स्टार्ट करें एक कूल वैगन लेदर डिजाइन आरजीबी हेलो लाइट के साथ में। इस पे आप लोग एक पावर बैंक को चिपका के वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हो, बिना तार के मैक पैड पे रख के इसे चार्ज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी अंडर 20,000 विद बैंक ऑफर्स फॉर 8GB रैम 256GB इंटरनल। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मजे में होंगे। वेल दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का एक जाइंट बॉक्स। इसमें इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पावर मैनेजमेंट चिप है चीता X1। वैसे ये एक मीडिया किट है, सो इसमें नोट 40 प्रो के अलावा मैक पावर और मैक पैड भी है। आप लोग जब लेने जाओगे तो आपको ये वाला बॉक्स मिलेगा। वैसे इस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें हटके हैं, देखना चाहते हो? वैसे बॉक्स में आपको नोट 40 प्रो के अलावा एक 45 वॉट का चार्जर और टाइप सी केबल मिल जाती है। अब नॉर्मली हमें सिलिकॉन केस कवर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग के लिए स्पेशली कॉइल वाला एक प्रीमियम केस देखने को मिल जाता है। एंड नॉर्मली कुछ कंपनीज हमें स्क्रीन गार्ड देती है बॉक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको एक टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है स्पेशली फॉर कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो विद ग्रीन वैगन लेदर डिजाइन। इसमें एक वैसे गोल्ड ग्लास डिजाइन भी देखने को मिल जाती है। काफी बड़ा कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसपे ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। साथ में एक हेलो लाइट भी देखने को मिल जाती है। अभी ये जो लाइट है, इसे आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग ब्लिंकिंग के लिए। वैसे ये लाइट कॉल्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, चार्जिंग हो गया, गेमिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीजों के लिए आप लोग सेटअप कर सकते हो सेटिंग में जाके। वैसे डिजाइन यहाँ पे काफी सिंपल और मिनिमिस्टिक देखने को मिल जाता है, सो एक काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है, वो टिकटॉक वाली फील नहीं आता। और सामने की साइड में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कर्व्ड डिस्प्ले तो है ही है, लेकिन लुक एट द चिन, ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है वो लगभग नेग्लिजिबल चिन के साथ में आता है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से काफी प्रीमियम लुक देता है। वेल, आगे बढ़ने से पहले इस स्मार्टफोन की कुछ खास बात आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर्स मिल जाते हैं JBL वाले। इनफैक्ट IP53 की रेटिंग मिल जाती है, आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, तो इस गर्मी में आप अपने AC को कंट्रोल भी कर सकते। साथ में अंडर 20,000 आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है और X एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे हैप्टिक्स काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। वैसे अगर आप लोग लाइट करना चाहते हो हैप्टिक्स को, तो उसका भी ऑप्शन आपको सेटिंग में मिल जाता है। वेल, यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम 10 बिट का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.78 इंच के फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। यहाँ पे आपको एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है, सो मूवीज देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए काफी परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे चिन और बेजल टाइप की कोई चीज है ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग HDR वीडियोस भी देख सकते हो। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दे रखा है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यस, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल ब्राउजिंग करते वक्त यहाँ पे काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। लेकिन यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग चीजें भी देखने को मिल जाती है, जो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको हार्डली किसी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा फिलहाल के टाइम पे। यस दोस्तों, ये स्मार्टफोन अप टू 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है अंडर 20,000। इनफैक्ट यहाँ पे स्मार्टफोन लाइट वेट रहे, स्लीक रहे, इस वजह से वायरलेस चार्जिंग का जो कॉइल होता है ना, वो स्मार्टफोन के अंदर फिक्स नहीं किया, बल्कि आपको बॉक्स के अंदर ही केस मिल जाता है, जो कि एक वायरलेस चार्जिंग कॉइल के साथ में आता है। बस आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से फिट करना है, और इस मैक पावर को आप इसके पीछे के साइड में लगा सकते हो। ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, घिरता नहीं है, और आपके स्मार्टफोन को भी चार्ज करता है। अभी फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं बाहर हो, फोन पे बात कर रहे हो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो से, और फोन की बैटरी डेड होने वाली है, तो एक और काम किया जा सकता है। यस, ये वायरलेस पावर बैंक को आप लोग कुछ इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। ये मैग्नेटिकली स्मार्टफोन के साथ में अटैच हो जाता है और आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देता है। इनफैक्ट अगर आपको इसके पीछे लगाना नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो टाइप सी टू टाइप सी केबल लगा के भी आप इस स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। वैसे ये 3000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। और अगर आप लोग घर पे या फिर ऑफिस पे हो, तो वायरलेसली मैक पैड पे स्मार्टफोन को रख के भी आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये स्मार्टफोन को एट 15 वॉट वायरलेसली चार्ज कर सकता है। वैसे इस फोन के अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाता है, जो कि आपको सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कोई भी वायरलेस चीज यहाँ पे रख सकते हो, तो वो जो है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देता है कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, और वो काफी क्विकली काम कर रहा है, टच करते ही स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है। टच किया, अनलॉक हो गया,
टच किया अनलॉक हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे फेस अनलॉकिंग फीचर भी मिल जाता है और ये भी स्मार्टफोन को क्विकली अनलॉक कर देता है। वेल, प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 7020 का एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है जिसका अनटूट स्कोर क्लोज टू 470,000 के आसपास में देखने को मिल जाता है। अभी COD जैसी गेम को हमने प्ले करके देखा और यहाँ पे हमें हाई ग्राफिक्स और मैक्स फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी COD जैसी भारी गेम को ये प्रोसेसर ये स्मार्टफोन आराम से हैंडल कर लेता है, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा गेम प्ले है वो काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है। कहीं पे कोई लैग या फिर जिटरनेस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो इस बड़े से कैमरा मॉड्यूल पे आपको तीन कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, इसके अलावा दो और कैमरा मिलते हैं वो 22 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ ही आते हैं। मानना पड़ेगा इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा डे लाइट में अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। अब इस फोटो में आपको जूम करने पे भी क्लैरिटी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इवन लाइट को जिस तरीके से इसने मैनेज किया है अच्छा काम यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। इवन स्काई का जो ब्लू कलर हो गया या फिर डायनेमिक रेंज हो गया, फ्लावर्स के कलर्स हो गए, ओवरऑल ये फोटोज को अच्छी खासी क्लिक कर देता है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से। वैसे यहाँ पे 3x लॉसलेस जूम का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमने कुछ फोटोज क्लिक की, यस यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। इवन पोर्ट्रेट फोटोज में बैकग्राउंड ब्लर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है विद गुड एज डिटेक्शन। नाइट फोटोज में कलर्स क्लैरिटी अच्छे से क्लिक हो रही है, नॉइज यानी कि दाने दाने भी दिखाई नहीं दे रहे। और भी हमने कुछ फोटोज क्लिक की है रात में जो फोटोज अच्छी आई है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरा डे लाइट में कलरफुल्स और अच्छे स्किन टोन के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है, लेकिन 32 मेगापिक्सल के हिसाब से क्लैरिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती है। पोर्ट्रेट फोटोज में भी बैकग्राउंड ब्लर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, हालांकि क्लैरिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे सेल्फी में कुछ मोड्स देखने को मिल जाते हैं, हमने बियर्ड मोड ट्राई किया और वो अच्छा नेचुरल फोटोज क्लिक कर लेता है। नाइट में सेल्फी की कुछ फोटोज हमने क्लिक की, गुड टू गो है, कलर्स और स्किन टोन अच्छे देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज में बैकग्राउंड ब्लर नाइट में भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यस, डिटेलिंग में हल्के से इंप्रूवमेंट की जा सकती है और नॉइस को थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 10% की गुंजाइश है। वेल, अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सेल्फी कैमरे से हो रही है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के, और यहाँ पे 2K रेजोल्यूशन अभी फिलहाल मैंने यूज़ किया है, तो आपको स्टेबिलाइजेशन का आइडिया लग जाएगा किस तरीके का स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। वैसे ओवरऑल फोटोज तो मुझे बढ़िया लग रही है, सच कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये रियर कैमरे से हो रही है एट 1080p, तो यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे ओवरऑल तो इमेज बढ़िया लग रही है, सच कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही, लेकिन 4K रेजोल्यूशन होता तो थोड़ा सा बेटर रहता। फिलहाल यहाँ पे रियर कैमरे में 2K का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वेल, यहाँ पे दो चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सेल्फी कैमरे से आप लोग 2K रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सैडली यहाँ पे रियर कैमरे में भी अप टू 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की गई है। वैसे नाइट मोड के अंदर सेल्फी आप लोग रियर कैमरा और सेल्फी कैमरे से भी ले सकते हो। वेल, सॉफ्टवेयर की कहानी यहाँ पे काफी अच्छी है। यहाँ पे एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। 2OS अपडेट, 3 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी यहाँ पे आपको मिल जाए। काफी क्लीन OS के साथ में आता है। आई गेस ओनली फेसबुक ही एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप था, इसके अलावा मुझे कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को नहीं मिला। यस, कुछ ऐप्स जैसे कि गेम को ऑप्टिमाइज करने वाला ऐप या फिर FM वाला ऐप, थीम वाला ऐप, इस टाइप के कुछ प्री इंस्टॉल्ड इन्फिनिक्स के ही ऐप देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी ब्लोटवेयर या फिर ऐड भी देखने को नहीं मिला इस स्मार्टफोन के अंदर। वैसे इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ कमाल के फीचर्स है जो मेरे हिसाब से हर स्मार्टफोन के अंदर होना ही चाहिए। इनफैक्ट ट्विटर पे भी काफी सारी पब्लिक ने इसे एक्नॉलेज किया, जैसे कि स्विच ऑफ करने पे ये पासवर्ड मांगता है, कीबोर्ड को आप लोग सिक्योर भी कर सकते हो, रिमेंबर कुछ एप्स आपके कॉन्टेक्ट और बाकी सारी चीजों का एक्सेस मांगते हैं। इस स्मार्टफोन की सेटिंग में जाके, प्राइवेसी में जाके इसे आप लोग ऑन भी कर सकते हो, जिससे वो जो ऐप है जब कॉन्टेक्ट सर्च करता है तो उससे सारे के सारे कॉन्टेक्ट ब्लैंक दिखाई देते हैं। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो जिसने वायरलेस चार्जिंग को काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लाके दिखा दिया है, और बाकी लुक्स और डिजाइन के अंदर स्मार्टफोन काफी बढ़िया लगता है। वैसे आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा अंडर 20,000 प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।